हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज मैं आपको जनरल वाउचर्स के बारे में बताने वाली हूँ कि जनरल वाउचर्स क्या है और उसमें हम ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको हमने पहले भी बताया था कि मैनुअल अकाउंटिंग जनरल में की जाती है, यानी कि जिस बुक जनरल के लिए हम जिस मैनुअल अकाउंटिंग में हम जिस बुक का यूज़ करते हैं उसे हम जनरल कहते हैं, जिसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। बट टैली में जनरल के बदले अलग अलग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वाउचर्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि रिसिप्ट के लिए हम रिसिप्ट वाउचर्स, पेमेंट और पेमेंट के लिए पेमेंट, कॉन्ट्रा के लिए कॉन्ट्रा, और परचेज सेल हम वाउचर्स यूज़ करते हैं, डेबिट क्रेडिट नोट वाउचर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जिन ट्रांजेक्शन्स को हम इन 7 वाउचर्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं उन्हें हम जनरल वाउचर्स में करते हैं, जैसे कि हमारी ओपनिंग एंट्रीज होगी, रेक्टिफाइंग एंट्रीज होगी, ट्रांसफर एंट्रीज होगी, या फिर क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि हम अपने यहाँ पर जनरल वाउचर्स में उनकी उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए मैं आपको उन ट्रांजेक्शन्स के बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको टेलीप्राइम में उन ट्रांजेक्शन करने से पहले कुछ जनरल वाउचर्स की एंट्री को यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जनरल वाउचर से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स है, जिसमें जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वह है फर्नीचर परचेज फ्रॉम राधिका फर्नीचर्स ₹20,000। तो यहाँ पर हमने राधिका फर्नीचर से फर्नीचर परचेज किया हुआ है ₹20,000 का। तो यहाँ उसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी एंट्री है, हमने यहाँ पर जो है DK एंटरप्राइजेज से हमने यहाँ पर मशीन परचेज करी हुई है। और इसी तरीके से जो तीसरी एंट्री है, इसमें हमने अपने जो हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनको हमने यहाँ पर सैलरी पेड की है कैश में। इसके बाद जो चौथी एंट्री है उसमें डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर मशीनरी खरीदी थी ₹15,000 की, उस पर जो है ₹1,000 का यहाँ पर डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो हमारी जो थर्ड एंट्री, उसके बाद जो हमारी जो फिफ्थ एंट्री है वो है सोल्ड फर्नीचर टू कृष्णा एंटरप्राइजेस ₹18,500 विद 1,500 ट्रांसफर टू लॉस ऑन सेल इन फिक्स एसेट। तो यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले हमने जो फर्नीचर परचेज किया था राधिका फर्नीचर से, वो हमने यहाँ पर जो है सोल्ड कर दी है कृष्णा एंटरप्राइजेस को। तो यहाँ पर हमने कितने में करी, उसे ₹18,500 में करी है। बट जो उसमें लॉस ऑन सेल है वो ₹1,500 का है, तो इसे भी हमें जनरल वाउचर्स में रिकॉर्ड करना है। तो चलिए हम इनको अब जनरल वाउचर्स में इन एंट्री को रिकॉर्ड करना सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले टेलीप्राइम को ओपन कर लेंगे। टेलीप्राइम को ओपन करने के बाद हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली पर आने के बाद हम वाउचर्स के लिए V की प्रेस करेंगे और हम यहाँ पर जो है अपना जनरल वाउचर यहाँ पर ओपन कर लेंगे। अगर आपको तो हमें जनरल वाउचर्स को ओपन करने के लिए हमें F7 कीज प्रेस करनी होती है, या फिर आप यहाँ पर बाहर से यहाँ से यहाँ पर जो ऑप्शन जो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं आप यहाँ से भी जो है अपने वाउचर्स को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारी सबसे फर्स्ट एंट्री है पहले हम वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली एंट्री है वो है फर्नीचर परचेज की, जो कि जिसका जो अमाउंट है वो है ₹20,000। तो यहाँ पर जो है डेबिट जो है वो जाएगा फर्नीचर कितने का खरीदा हमने, ₹20,000 का खरीदा है। और क्रेडिट में कर लेंगे हम राधिका राधिका फर्नीचर्स को। इसके बाद आप यहाँ पर अगर आपको नरेशन भी फीड करना है तो आप यहाँ पर जो है नरेशन फीड करके आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी एंट्री है वो है मशीनरी परचेज फ्रॉम DK एंटरप्राइजेस ₹15,000 की। तो जैसे आपने अभी फर्नीचर्स की एंट्री करी है उसी तरीके से आपको यहाँ पर मशीनरी परचेज की भी एंट्री करनी है। तो यहाँ पर हम डेबिट में ले लेंगे मशीनरी, यहाँ पर करिए हमने ₹15,000 की। और क्रेडिट में कर लेंगे हम DK एंटरप्राइजेस को। यहाँ पर उसी तरीके से आप यहाँ पर नरेशन जो है फीड कर दोगे और उसके बाद आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद जो हमारी जो तीसरी एंट्री है, तो हमारी तीसरी एंट्री में क्या है, हमने सैलरी पेड की अपने एम्प्लॉय को कितने की, 15,000। इसमें हमने ₹15,000 कैश यहाँ पर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है। तो इसकी एंट्री के लिए हम आ जाएंगे जनरल वाउचर्स में। तो यहाँ पर डेबिट में करेंगे हम सैलरी, अकाउंट को हम कर लेंगे डेबिट, यहाँ पर करें अमाउंट ₹15,000। और क्रेडिट में कर लेंगे हम कैश, क्योंकि हमने कैश में पे किया है तो हम यहाँ पर कर लेंगे क्रेडिट पर कैश। देन यहाँ पर आप जो है नरेशन फिट करके आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर लोगे।
उसके बाद जो हमारी फोर्थ एंट्री है वो है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो यहाँ पर जो है हमने पहले यहाँ पर जो मशीनरी परचेज की हुई थी 15,000 रुपये की, उस पर अभी हमें 1,000 रुपये का, हमें यहाँ पर एक हज़ार रुपये का यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, यहाँ पर डेबिट जो डेबिट कर देंगे हम डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे डेबिट। तो कितने से, 1,000 रुपये से हम यहाँ पर से डेबिट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो कर रहे हैं मशीनरी पर डेबिट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा था, यहाँ मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि अभी तक जो मशीनरी की जो अमाउंट थी वो 15,000 रुपये थी, बट यहाँ पर जब डेप्रिसिएशन जब उस पर 1,000 रुपये लगाए तो जो उसकी रियल अमाउंट जो रह गई है वो 14,000 रुपये यहाँ पर रह चुकी है। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर फिट करके आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर लोगे। इसी तरीके से अब हम अपनी जो है फिफ्थ एंट्री को यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी फिफ्थ एंट्री है वो एंट्री है सोल्ड फर्नीचर टू कृष्णा एंटरप्राइजेस 18,500 रुपये। तो यहाँ पर जो हमने परचेज किया था फर्नीचर राधिका राधिका फर्नीचर से 20,000 रुपये का, तो यहाँ पर उसे हमने क्या किया, हमने उसे सोल्ड कर दिया, तो जो सोल्ड हुई है वो 18,500 रुपये में हुई है। तो यहाँ पर जो हमें लॉस हो रहा है वो हमें यहाँ पर 1,500 रुपये का हो रहा है। तो इसकी एंट्री को हम अपने टेलीप्राइम में कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम दोबारा जनरल वाउचर्स पर आ जाएंगे। जनरल वाउचर्स पर आने के बाद हम यहाँ पर डेबिट जो है कर लेंगे, यहाँ तो यहाँ पर डेबिट के लिए हम कर लेंगे कृष्णा एंटरप्राइजेस को। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कृष्णा एंटरप्राइज का लेज़र जो है यहाँ पर क्रिएट नहीं है, तो उसके लिए हम करेंगे ऑल्ट सी की प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हम बना देंगे कृष्णा एंटरप्राइजेस का लेज़र। अंडर ले लेंगे हम सन्ड्री डेटर्स के, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर आप उसके जो जो भी उसके एड्रेस वगैरह जो भी उसके और इन्फॉर्मेशन है आप वो यहाँ पर गिवन कर दोगे, देन इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। कृष्णा एंटरप्राइजेस में हम कितने कितने रुपये का परचेस किया उसने, उसने किया यहाँ पर किया है 18,500 रुपये का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कर देंगे यहाँ पर 18,500 रुपये का। तो यहाँ पर हम दोबारा कर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे डेबिट, क्योंकि अभी जो है उस पर जो सेल पर जो हमें सेल पर जो लॉस हुआ है वो भी हमें यहाँ पर डेबिट में दिखाना है, तो इसलिए हमें लॉस ऑन सेल। तो यहाँ पर भी अभी उसका जो है लेज़र हमने यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉस ऑन सेल पर जो है यहाँ पर लॉस ऑन सेल का यहाँ पर लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ऑल्ट सी की प्रेस करनी है, क्या ले लेंगे हम लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अंडर ले लेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, इसके बाद में से कंट्रोल से सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें लॉस हो रहा है वो हो रहा है 1,500 रुपये का, और क्रेडिट कर लेंगे हम फर्नीचर्स का। तो यहाँ पर जो है अभी तक जब हमने फर्नीचर खरीदा था राधिका फर्नीचर से, तो उसकी जो वैल्यू थी वो 20,000 रुपये यहाँ पर जो है थी। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जब हमने इसको कृष्णा एंटरप्राइज को सेल किया 18,500 रुपये का, और प्लस उसमें क्या किया हमने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट जो हमने इसमें किया, तो वो जो अमाउंट जो फर्नीचर की जो अमाउंट है वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, यहाँ पर नील हो चुकी है, यानी यहाँ पर जीरो हो चुकी है, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके जनरल वाउचर्स में जो है ओपनिंग एंट्रीज या फिर ट्रांसफर एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज या फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह जो भी आपको जनरल वाउचर्स में एंट्रीज करनी थी वो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।